लोग पूछते हैं महाराज जी आप बोलते हो कथा में कि मन जो दूर मंदिर है वहां जाकर झाड़ू लगाओ पोछा लगाओ झाड़ू लगाओ पोछा लगाओ, उसका फल क्या है? इंदौर की इस माहिल्या शिव महापुराण की कथा में सुन लेना, माता अहिल्या ने 4 वर्ष की आयु से लेकर 8 वर्ष तक की आयु में शंकर जी के मंदिर में झाड़ू और पोछा अपने मन से, कोई तनखा नहीं, मन से सेवा करी तो मिला क्या? एक साधारण से घर की बेटी मालवा की राजमाता बन गई। साधारण थी, साधारण से घर की बेटी शिव मंदिर का मात्र झाड़ू लगाने पर, मात्र सेवा करने पर। आपसे भी निवेदन है, जिस दिन तुम्हारा मन दुखी हो, जिस दिन तुमको लगे कि हमारे मन को आज अशांति है, आज मेरा बड़ा सा कोई काम अटक गया है, मेरा बेटा आज परीक्षा देने के लिए गया है, आज मेरे बेटे को इस परीक्षा में पास होना चाहिए, आज मेरा पति गया है उसकी नौकरी लगना चाहिए, मैं बड़ी दुखी हूं, सब दूर माथा टेक लिया, सारे संसार में होकर आ गए, सबसे जाकर निवेदन कर लिया, जब हार गए तब किसी शंकर के मंदिर में एकांत में बैठ जाना, एक लोटा पानी चढ़ाकर, 5 बेलपत्र चढ़ाकर, 1 चावल का दाना शिव को समर्पित कर एकांत में बैठकर शंकर को निहारते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना, अपने दिल की बात उससे कह देना। जब वो एकांत में बैठा हो, कोई नहीं हो मंदिर में, तब तुम बैठना, उससे कहना आज मेरा पति नौकरी के लिए गया है, मैं जानती हूँ कि मैं हो सकता है पाप कर्म कराऊ, पूर्व में क्या क्या करा अपने को क्या मालूम, हो सकता है मेरा पति भी पूर्व में कोई कर्म विकार करा होगा, सारे जगत में धक्के खा लिया, सारे दुनिया भर में घूम कर आ गए, पर मेरे बाबा अब कहीं पर नहीं जाऊंगी, आखिरी है तू और तेरा द्वार, अब नहीं छोड़ूंगी, और उस बाबा से निवेदन कर जाना। 8 दिन 15 दिन इंतजार तो करो, उस बाबा से बोलने के बाद एक टेबलेट भी खाते हो तो थोड़ी देर बाद असर करती है, तो थोड़ा इंतजार तो करो उसको बोलने के बाद, भटकना मत ही। उसके दरवाजे पर जाने के बाद भी अगर काम नहीं हो तो समझ लेना कि हमारा कर्म कुछ ज्यादा गड़बड़ होगा लगा है, अभी समय लगेगा, भटकना मत ही, नहीं तो इनके छोड़ के दुनिया के लोग तो बड़े भटकते हैं, पहले राम जी के पास चले जाए राम जी से काम नहीं बने, हनुमान जी के पास चले जाए हनुमान जी से काम नहीं बने, ठाकुर जी के पास चले जाए ठाकुर जी से काम नहीं बने, शंकर जी के पास चले जाए शंकर जी से काम नहीं बने, तो कहीं दूसरी जगह जगह चले जाए, मैं नाम नहीं लूंगा, तुम समझ जा, कोई दूसरे धर्म में प्रवेश कर जाते हैं, कोई हिंदू धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म अपना लेता है, क्यों? देवता नहीं सुन रहे तो दूसरा धर्म अपना लिया, फिर निवेदन करूंगा, मेरे हिंदू धर्म से बड़ा कोई धर्म हो ही नहीं सकता, यह पक्का है, चाहे राम कृष्ण शिव भवानी जगदम्बा दुर्गा जो तुम्हारे चित्तवृत्ति में आए उसको रिझाओ, उससे लगन लगाओ, उससे दृष्टि मिलाओ और उससे जाकर अपने दिल की बात